गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का क्लास है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या है? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन यानी तुलना करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, मैंने पिछले की क्लास में बताई थी फ्रैक्शन, ठीक है, और आज बता रहे हैं कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में तुलना करना। बच्चों आप लोग को एग्जांपल लेके मैंने समझा रही हूँ कि कंपेयर मतलब तुलना करना है। मान लिया दिया रहे प्रश्न 3/10 एंड 7/10 एग्जांपल है। देख रहे हैं बच्चों, ये दोनों के बीच में बिटवीन जो दिया है 3/10 एंड 7/10 दोनों के बीच कंपेयर करना है कि कौन सी संख्या जो है इसमें कौन सा फ्रैक्शन है जो लार्जेस्ट है एंड कौन सी फ्रैक्शन है जो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो बच्चों थ्री दोनों का जो है डिनोमिनेटर की संख्या क्या है? सेम है, और न्यूमरेटर की संख्या जो दिया गया है वो क्या है? भिन्न भिन्न अलग अलग है ना। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है टेंथ से अगर डिवीजन करेंगे फ्रैक्शन मतलब डिवीजन अगर करेंगे तो 7/10 है एंड स्मॉलेस्ट है 3/10। बच्चों अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो इससे भी आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि मैडम फिर से बताइए, अब दूसरा विधि से बताइए, है ना। तो मैंने ट्राई कर दी। अगर बच्चों आप लोग को नहीं समझ में आया तो ऐसे डिवाइड बगल में डिवाइड देखें क्या है कि आप लोग को डिवाइड पता है ना, तो इसमें देखते हैं 10 से डिवाइड करते हैं कितना 3 एंड दूसरा जो है 10 से डिवाइड करते हैं 7। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से डिवाइड जो है दशमलव जो कर दिया है तो आप लोग को मैंने बताई है और आप लोग नीचे की क्लास 4-5 में भी पढ़ी हैं। तो ये अगर इस टाइप से नहीं लगने पर एक अपने से पॉइंट देना पड़ता है पॉइंट, ठीक है, अब पॉइंट के बदले यहाँ क्या देना पड़ता है? शून्य। देख रहे हैं आप लोग, अब 10 3 30 आ गया 30 एंड 10 से डिवाइड फिर देते हैं 7 में, फिर पॉइंट के बदले फिर यहाँ शून्य और 10 7 7 3 आप लोग को टेबल भी पता है। अब बच्चों आ गया पॉइंट, अपने से पॉइंट को छिपाने के लिए 0 दिया जा रहा है उससे दिक्कत नहीं है एंड दिया गया फिर यहाँ 0.7 मान लीजिए प्रश्न नहीं है। अब इसमें आप लोग को ये भी पता है कि पॉइंट के बाद जो संख्या बड़ी होती है बड़ी वास्तविकता होती है, इसमें बड़ी क्या है 0.7 चीज आ गया ना बच्चों, अब समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये कंपेयर अगर कभी कोई भी प्रश्न रहे तुलना करने की कौन सी संख्या बड़ी छोटी तो तुरंत इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैंने बताती है फ्रैक्शन में देखिए सबसे पहले इसमें दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ना है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एंड तीसरा है मिक्स नंबर। देखिए बच्चों ये भी हम लोग को फ्रैक्शन के ही अंदर जानना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है एंड मिक्स नंबर्स क्या है। तो बच्चों पहला प्रॉपर फ्रैक्शन जो दिया है इसमें देखा जाए प्रश्न में दिया रहे इसका एग्जाम्पल 8/6, 7/8 एंड 5/4 दिया रहे, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की संख्या हमेशा न्यूमरेटर की संख्या जो है हमेशा स्मॉलेस्ट होनी चाहिए
एन डेनोमिनेटर की संख्या जो हमेशा है सो लार्जेस्ट होना चाहिए। तो इसमें अगर चूज करने के लिए दे दिया जाए कि चूज करें कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जाम्पल लिए तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का सोल्यूशन जो होगा सिर्फ 7/8। क्या हो जाएगा 7/8 देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर की संख्या है कम है। देख रहे हो सामने बोर्ड पर, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों? आगे बताते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया बच्चों, जस्ट बिलोंग प्रॉपर का जस्ट बिलोंग, उसमें जो न्यूमरेटर की संख्या थी सो कम थी एंड डिनोमिनेटर की संख्या जो थी सो ज्यादा थी, और इसमें क्या हो जा रहा है कि इम्प्रॉपर में जो है न्यूमरेटर की संख्या मतलब ज्यादा है। जैसे एग्जांपल इसमें भी ले रही अभी ली थी 8/7 4/6 एंड 3/5 इसमें इसका इम्प्रॉपर का क्या है इसका ये सोल्यूशन 8/7 क्योंकि न्यूमरेटर की जो संख्या हुआ ज़्यादा है एंड डिनोमिनेटर की संख्या है सो कम है। आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों? और मुझे भी लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया। अब तीसरा है मिक्स नंबर। जैसे कि मैंने इम्प्रॉपर जो बताएं, जैसे प्रश्न दिया रहे मान लीजिए 2/3/6 अन्य पूर्णांक है ना, तो इसे क्या है इसको सबसे पहले पूर्णांक हटाते हैं 6 + 12 + 3 = 15 ये भी क्या है मिक्स्ड नंबर है। ठीक है, ये क्या हो गया मिक्स्ड नंबर है और इम्प्रॉपर पूर्णांक को हटा देने पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया और मुझे भी लगता है कि मेरा वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा क्लास समाप्त।